हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों यह कौन सा टॉपिक चल रहा है, स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा, जिसके अंतर्गत आता है आपका स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल में लगने वाली चोटें, एंड फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, एंड फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, एंड दोस्तों डोपिंग एंड मसाज, इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। यह पार्ट नंबर 5 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों, कोई भी एक रुपये का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एंड दोस्तों, यहाँ ऐसा कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेगा जो सब कुछ फ्री हो। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं, एंड दोस्तों डेली बेसिस पर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भी कराया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती हैं? तो दोस्तों, मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन यानी कि दबाव की हस्त कौशल विधि के अंतर्गत 3 प्रकार की मालिश आती हैं। कौन कौन सी? नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन। नीडिंग यानी कि गुथना, पेट्रिसाज यानी कि चिकोटना, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। जैसा कि दोस्तों मालिश जो है, मसाज जो है, 4 प्रकार का होता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात की हूँ। दोस्तों, आप मालिश वाले पार्ट को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, मालिश के परक्यूजन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितनी मालिश आती हैं? परक्यूजन यानी कि थपथपाना, इसके अंतर्गत दोस्तों 4 प्रकार के मालिश आते हैं, जिसमें से आपका होता है हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। इसके बारे में भी आप मालिश वाले वीडियो देख करके जान जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग कौन सा चिकित्सा वैज्ञानिक करता था? तो कौन करता था दोस्तों? हिप्पोक्रेटस, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट यानी शारीरिक चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फिजियोथेरेपी के नाम से। किसके नाम से? फिजियोथेरेपी के नाम से। यह क्वेश्चन दोस्तों एलटी में 2018 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट दोस्तों, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यह जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी। क्या बोलते हैं? क्रायोथेरेपी। और जल का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोथेरेपी। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे व गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किस चिकित्सा में किया जाता है? कंट्रास्ट बाथ में। ठीक है, कंट्रास्ट बाथ यह जल चिकित्सा है, तो ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है इसमें, कंट्रास्ट बाथ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पैराफिन बाथ में मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह हमारे साथ जो हमारे जोड़ों की चोटें होती हैं या हमारे हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर हट जाता है, तब ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस भरा जाता है? दोस्तों, जो कोल्ड स्प्रे होता है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है? तो उसमें आपका मीथेन एंड इथाइल क्लोराइड गैस भरा जाता है, यानी इथाइल क्लोराइड एंड मीथेन गैस उसमें भरा रहता है। यह क्या करता है कि चोट के जस्ट बाद इसका प्रयोग किया जाता है आराम के लिए, और यह वाष्पित होकर हमें ऊष्मा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, किस चिकित्सा विधि में बायोन्सी तरलशीलता नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? बायोन्सी यानी जिसमें वो तैरता है, जो अंग होता है, पानी होता है, तैरता है, एक घुमावदार बन जाता है। तो दोस्तों, यह होता है आपका भंवर स्नान में। इसमें भंवर स्नान में, जिसको वर्लपूल बाथ कहते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक टब में गर्म पानी लिया जाता है, मशीन तकनीक द्वारा वो भंवर के रूप में घूमता रहता है पानी। ठीक है, जिसमें शरीर के भाग को डुबोया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उदासीन होकर शरीर के भाग यानी बायोन्सी तकनीक के कारण, बायोन्सी के कारण यानी
घूमने के कारण पानी में तैरने में सहायता करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास कराया जाता है? तो दोस्तों क्रायोकाइनेटिक्स में, किसमें? क्रायोकाइनेटिक्स में। क्रायोकाइनेटिक्स में क्या होता है दोस्तों कि इसमें ठंडे पानी या बर्फ का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद उस अंग को डुबोने के बाद उसमें एक्सरसाइज अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंफ्रारेड रेंज यानी कि इंफ्रारेड किरण निकालने के लिए किन दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंफ्रारेड रेंज निकालने के लिए किन दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश युक्त और अप्रकाश युक्त, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी, ठीक है। क्या होता है इंफ्रारेड किरण दोस्तों? यह मुलायम उत्तकों की चोटों पर जब हमारा सूजन खत्म हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। यह सूर्य की विद्युत, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एंड दोस्तों यह इन किरणों को त्वचा पर 90 डिग्री से डाला जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्रकाश युक्त और अप्रकाश युक्त, यानी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट है दोस्तों, किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी यानी कि पराबैंगनी किरणों थेरेपी में। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? तो कौन सी चिकित्सा विधि है दोस्तों विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? तो डायथर्मी है। कौन सा थर्मी? डायथर्मी। इसमें क्या होता है कि उत्तकों की गहराई तक घाव भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तकों की गहराई तक घाव भरने के लिए विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, डायथर्मी को उसके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? तो डायथर्मी को तरंगों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव डायथर्मी। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग तरीके में, ठीक है, विद्युत चिकित्सकीय तरीकों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि है? तो शॉर्ट वेव के अंतर्गत दोस्तों दो उपचार की विधियां हैं, कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड क्यूपल मेथड, एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है विद्युत चिकित्सकीय, ठीक है, विद्युत चिकित्सीय तरीकों में सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों जो डायथर्मी होता है विद्युत चिकित्सा विधि, उसमें सबसे अच्छा तरीका माना जाता है माइक्रोवेव डायथर्मी का। इसमें माइक्रोवेव डायथर्मी का। नेक्स्ट है, वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम उत्तकों एवं हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है डायपल्स थेरेपी में। किसमें? डायपल्स थेरेपी में। मुलायम उत्तकों हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने की बात कहेगा तो डायपल्स थेरेपी, और उत्तकों की गहराई तक घाव भरने के लिए विद्युत धारा का प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा की बात कहेगा तो डायथर्मी, ठीक है। और दोस्तों मुलायम उत्तकों की चोटों का जब सूजन खत्म हो जाए तो किसका प्रयोग होता है? तो इंफ्रारेड रेंज का, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सीय विधि में किया जाता है? तो इसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिजियोथेरेपी के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस, जिन्हें चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक उपचार को किससे संबोधित किया जाता है? तो शारीरिक उपचार को फिजियोथेरेपी से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापन में जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज कहा जाता है दोस्तों, ए एंड बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, करेक्टिव एक्सरसाइज में किस प्रकार के व्यायाम आते हैं? तो दोस्तों उसमें दो प्रकार के व्यायाम आते हैं, सामान्य और विशिष्ट व्यायाम। सामान्य व्यायाम में क्या होता है कि इसमें हल्के व कम गति वाले व्यायाम कराए जाते हैं जिससे चोटिल अंग पर अधिक दबाव न पड़े, जैसे कि पैदल चलना, बैठकर धीरे धीरे व्यायाम करना, ये दोस्तों नई चोट यानी तुरंत चोट लगा है तब किया जाता है। एंड जो विशिष्ट व्यायाम होता है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है, वह चोट पुरानी हो जाने पर सामान्य के विशिष्ट व्यायाम कराए जाते हैं, सरल से जटिल के रूप में, ठीक है। और यह
व्यायाम जो है एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के होते हैं। सभी व्यायाम, एक्टिव मतलब स्वयं से व्यायाम करना और पैसिव मतलब किसी की सहायता से, उपकरण या व्यक्ति की सहायता से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुनः स्थापना में विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं। तो विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत दोस्तों एक गतिशील व्यायाम होता है, एक स्थिर व्यायाम होता है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, ये सभी व्यायाम आते हैं उपरोक्त सभी। दोस्तों इन तीनों के बारे में, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों के बारे में मैं डिटेल में बताई हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक्सरसाइज थेरेपी के अंतर्गत जिन अभ्यासों में उपकरण या किसी साथी की मदद ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, उसको पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं, जो किसी की सहायता से किया जाता है। जो एक्टिव एक्सरसाइज होता है वो स्वयं की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है राइस सिद्धांत में जो प्राथमिक उपचार के चार सिद्धांत हैं दोस्तों, RICE, अब OPRICES हो गया है, ठीक है। तो राइस में सी से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों सी से तात्पर्य यहाँ पे होता है, सी से तात्पर्य होता है कंप्रेशन, यानी कि दबाना। क्या होता है, दबाना, यानी कि चोट लगे भाग, जहां पे चोट लगा है चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग तक दबाया जाता है, जिससे उस भाग का रक्त संचरण रुक जाए, दर्द कम हो जाए, सूजन कम हो जाए, और इसके लिए टॉनिक बैंडेज का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फिजियोथेरेपी को किस विधि में बायोन्सी ला का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बायोन्सी ला का प्रयोग, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन में बता दी, उसमें भौर स्नान यानी कि व्हर्लपूल बाथ में बायोन्सी ला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उपचार करने की उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पानी का प्रयोग करने वाली थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों गर्म और ठंडा पानी दोनों का प्रयोग जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं कंट्रास्ट बाथ, और इसमें पहले ठंडा पानी का प्रयोग किया जाता है फिर गर्म पानी का। उस थेरेपी, नेक्स्ट है उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग कर चोट लगे अंग का अभ्यास कराया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो पहले बर्फ या ठंडा पानी का प्रयोग किया जाता है फिर चोट लगे अंग का अभ्यास कराया जाता है। किस थेरेपी में, क्रायोकाइनेटिक्स में, किसमें, क्रायोकाइनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्रायोथेरेपी में बर्फ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और क्रायोथेरेपी जो होता है वह एथलेटिक्स प्रकार की जितनी चोटें होती हैं सबसे प्रभावी विधि क्रायोथेरेपी होती है। ठंडे पानी व बर्फ का प्रयोग किया जाता है इसमें, जैसे कि स्प्रेन, स्ट्रेन, एथन, एक्यूट क्रोनिक इंजरी, इस समय इसको बर्फ को रगड़ कर रख कर बाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग जो है हाइड्रोक्लोरेटर पैक के रूप में किया जाता है। किसमें, हाइड्रोक्लोरेटर पैक में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चोट लगने के पश्चात जो कोल्ड स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, उस कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस उसमें भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। जो चोट के जस्ट बाद आराम के लिए स्प्रे दिया जाता है यह वाष्पित होकर ऊष्मा प्रदान करता है। नेक्स्ट है उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पैराफिन बाथ में मोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पैराफिन बाथ जो होता है यानी पैराफिन स्नान, इसे वैक्स बाथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो मोम स्नान, पैराफिन बाथ, वैक्स बाथ, तीनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यह जोड़ों की चोटों विशेषकर हमारे हाथ पैर और घुटने, इसके अलावा हमारे हड्डी टूटे अंग पर प्लास्टर खुलने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, इमर्सन बाथ आदि किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी दोस्तों हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत यानी जल चिकित्सा के अंतर्गत। नेक्स्ट है कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज,
कोल्ड टॉवल आदि किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये सभी ठंडे पानी या बर्फ की चिकित्सा के अंतर्गत यानी कि क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसमें बर्फ का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रायोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। जल का प्रयोग हाइड्रोथेरेपी, बर्फ का प्रयोग क्रायोथेरेपी, ये ध्यान में रखिएगा। बर्फ का प्रयोग के साथ उसमें अभ्यास भी कराया जाता है तो क्रायोकाइनेटिक्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे पानी अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो क्रायोथेरेपी। कोल्ड थेरेपी, क्रायोथेरेपी दोनों बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन भी एलटी में 2018 में आया था। नेक्स्ट दोस्तों, चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों यह प्राथमिक उपचार की सभी विधियां हैं, तो इसमें सबसे पहले 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको बर्फ का प्रयोग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ पेट्रोलियम जेली को मिलाया जाता है, जैसे कि इसमें जैसे कि आपका कितना मात्रा रखा जाता है, 2 kg ठोस मोम तो 1 kg पेट्रोलियम जेली तो 1 kg द्रव मोम, तीनों को 40 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और इस मिश्र का आदर्श तापमान जो है 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, पैराफिन बाथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस ताप तक गर्म किया जाता है? तो 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट है, हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरेट्रल पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट है दोस्तों, कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर पर माना जाता है? तो कंट्रास्ट बाथ में जो गर्म पानी होता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा स्तर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल चिकित्सीय शास्त्र में प्रकाशीय कीड़ों से संबंधित कीड़ों से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें इंफ्रारेड कीड़े और अल्ट्रावायलेट कीड़े दोनों में आपका सूर्य के कीड़ों और प्रकाशीय कीड़ों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस यानी प्रकाशयुक्त तो और अप्रकाशयुक्त उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी में किया जाता है? तो अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों इस प्रकार के, तो इसमें प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड कीड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड कीड़ों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी लंबाई होती है 40,000 एम्पियर यूनिट। नेक्स्ट है, डायथर्मी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? इसको मैं बता चुकी हूँ, 3 प्रकार की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायथर्मी के कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? यह 3 प्रकार की होती है, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है, कैपेसिटर फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों यह शॉर्ट वेव डायथर्मी के प्रकार हैं। किसके? शॉर्ट वेव डायथर्मी के। नेक्स्ट है, किस थेरेपी विधि में पैराध्वनि तरंगों और विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे होता है विद्युत मांसपेशीय उत्तेजना। क्या होता है? विद्युत मांसपेशीय उत्तेजना यानी कि इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है, एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायपल्स थेरेपी, या सूजन को, दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पैराधमनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो होता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसमें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे, इसमें सभी प्रकार की चिकित्सा की बात कही गई थी। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस पार्ट से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। एंड दोस्तों जो बचा हुआ पार्ट है अभी नेक्स्ट वीडियो में होगा, जैसे कि प्राथमिक उपचार एंड डोपिंग एंड मसाज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस पे बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।